राम जी की बरसी के दूसरे दिन आयोजित हुई सिंधी भजन संध्या, बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग शामिल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। संत कवराम जी की 78वीं वर्षी संत कवराम स्कूल के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। रोज नए नए कलाकार उनकी जीवनी पर प्रस्तुति दे रहे हैं, साथ ही कल कार्यक्रम में सिंधी भजन की प्रस्तुति भी दी गई। भजन संध्या में सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज दिनांक 29 अक्टूबर को संत कवराम साहब की वर्षी का द्वितीय दिवस का कार्यक्रम इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम 7:30 बजे आरती साहब का शुभारम्भ हुआ। आरती साहब श्री अशोक सोनियन पार्टी के द्वारा किया गया। उसके पश्चात कोटा से पधारे भगत लक्ष्मीचंदन पार्टी द्वारा अपना भजन संध्या प्रारंभ करी। शुरू में संत कवराम जी के भजन, झूलेलाल जी के भजन व सिंधी सामाजिक आधार पर भजन उन्होंने प्रस्तुत किए। साथ साथ उन्होंने एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसके अंदर हमारे जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अलग अलग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तत्पश्चात जो है 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक कटनी से पधारे हुए धीरज कुमार जी ने अपनी पार्टी के साथ सिंधी भजन गाए, जिससे जितने भी श्रोता आए हुए थे सब मंत्रमुग्ध हो गए और बहुत अच्छा उनको लगा। इस कार्यक्रम में संत कवराम मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र शानी भगत, सेक्रेटरी लालचंद बूलचंदानी जी, हमारे ट्रेजरर दिलीप चंद बूलचंदानी जी, वे समस्त कार्यकारिणी के सदस्य तथा शहर से पधारे समस्त गणमान्य नागरिक, उसके साथ संत महात्मा व समझ बाहर से पधारे हुए, किशनगढ़ से, उदयपुर से, जोधपुर से, भीलवाड़ा से पधारे हुए काफ़ी हमारे सिंधी समाज के वरिष्ठ नागरिक थे, जो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और सभी ने इस कार्यक्रम को देखकर बहुत सराहना की। ये कार्यक्रम संत कवराम स्कूल के प्रांगण में रखा गया, क्योंकि संत कवराम स्कूल जो संत कवराम मंडल की एक संस्था है, वहीं पर ही सारा कार्यक्रम हुआ और राष्ट्र प्रसादी का वितरण कर कार्यक्रम की समाप्ति की। Oh, 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 o